नमस्कार, झारखंड के संध्या समाचार में आप सबको का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की मुख्य बड़ी खबरें। खबर झारखंड से है। राज्य भर के मुखिया पंचायत चुनाव के लिए गोलबंद, राज्यपाल से की मुलाकात, लोगों को दिया गया ये आश्वासन। झारखंड प्रदेश मुखिया संघ का प्रतिनिधि मंडल ने बुधवार को राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और पंचायतों के कार्यकाल समाप्त होने पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने का आग्रह किया है। साथ ही पंचायतों का पुनर्गठन होने तक वैकल्पिक व्यवस्था करते हुए प्रशासकीय समिति के गठन की मांग की है। इस पर राज्यपाल ने प्रतिनिधि मंडल को आश्वासन दिया कि वे राज्य सरकार को पत्र लिखेगी ताकि जल्द से जल्द चुनाव की प्रक्रिया पूरी की जा सके। इससे पहले प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे संघ के प्रदेश अध्यक्ष विकास कुमार महतो ने राज्यपाल को बताया कि झारखंड में त्रिस्तरीय चुनाव की अवधि अपने गठन की तिथि में समाप्त हो रही है। आप सबको मालूम होना चाहिए कि मुखिया का कार्यकाल समाप्त होते ही मुखिया का काम अब BDO व BPO संभालेंगे। पंचायतों में मुखिया का कार्यकाल समाप्त होते ही उनकी जिम्मेदारी प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी संभालेंगे। सभी तरह के भुगतान में पहले हस्ताक्षरकर्ता के रूप में BPO और दूसरे हस्ताक्षरकर्ता के रूप में BDO अपने हस्ताक्षर करेंगे। ग्रामीण विकास विभाग के इस निर्णय के संबंध में मनरेगा आयुक्त ने आदेश जारी किया। सभी उपायुक्तों और उप विकास आयुक्तों को लिखे पत्र में कहा गया है कि जहां मुखिया का कार्यकाल समाप्त हो रहा है वहां तत्काल इस व्यवस्था का पालन हो। यह भी कहा गया है कि सभी तरह का भुगतान मनरेगा के प्रावधानों के तहत किया जाएगा। 10 लाख रुपये तक की नई योजना की प्रशासनिक स्वीकृति संबंधी BDO देंगे। झारखंड में सिविल सेवा परीक्षा के नए नियम पर कैबिनेट की मुहर लग गई है। अब आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को मिलेगी विशेष छूट। कैबिनेट ने झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली सिविल परीक्षाओं के नए नियम को मंजूर कर लिया है। इसके साथ ही झारखंड कंबाइंड सिविल सर्विस परीक्षा रूल्स 2021 के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इसमें पूर्व की परीक्षाओं के दौरान उभरे कानूनी विवाद को सुलझाने का भी प्रावधान किया गया है। नए नियम में आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों की संख्या 15 गुना पूरा करने के लिए अनारक्षित वर्ग के चयनित अंतिम उम्मीदवार के अंक से अधिकतम 8% तक नीचे आ जाने का प्रावधान किया गया है। आरक्षित वर्ग को अनारक्षित वर्ग से वापस आरक्षित वर्ग में आने की भी सुविधा दी गई है। इसकी जानकारी देते हुए कार्मिक सह कैबिनेट सचिव अजय कुमार सिंह ने बताया कि JPSC द्वारा अब कैबिनेट द्वारा मंजूर झारखंड सिविल सर्विसेज रूल के प्रावधानों के तहत ही परीक्षाएं ली जाएगी। नई नियमावली में आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों की संख्या 15 गुना करने का प्रावधान भी किया गया है। झारखंड में मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा की तारीख बढ़ सकती है। राज्य सरकार ने हस्तक्षेप कर झारखंड एकेडमिक काउंसिल को तारीख बढ़ाने को कहा है। कोरोना के कारण न सिर्फ पठन पाठन का कार्य प्रभावित हुआ बल्कि कम समय में परीक्षा आयोजित करना भी चुनौती है। ऐसे में स्कूल संगठनों ने भी तारीख में बदलाव की मांग की है। इस बीच ऐसी संभावना जताई जा रही है कि परीक्षा अप्रैल में आयोजित की जा सकती है। आपको बता दें कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने मैट्रिक और इंटर की परीक्षा की तिथि 9 मार्च से घोषित की है। झारखंड में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा को लेकर मांग की जा रही है कि CBSE की तरह झारखंड बोर्ड भी छात्रों को मौका दे, मार्च तक पढ़ने का अवसर देना चाहिए और अप्रैल में परीक्षा का आयोजन किया जाए। झारखंड गैर सरकारी विद्यालय संघ के कुलहान अध्यक्ष डॉक्टर अफरोज शकील ने जैक के अध्यक्ष को पत्र लिखकर कहा कि लॉकडाउन की अवधि में बच्चे स्कूल व कॉलेज नहीं जा सके हैं। इस कारण बच्चे परीक्षा की तैयारी ठीक से नहीं कर सके हैं, इसलिए बच्चों को परीक्षा की तैयारी करने के लिए 1 माह और मिलना चाहिए। झारखंड में मौसम विज्ञान के आधार पर 13 के पार पहुंचा रांची का न्यूनतम तापमान। अब 1 सप्ताह बाद लौटेगी ठंड। रांची के न्यूनतम तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। रोज न्यूनतम तापमान 1 से 2 डिग्री सेल्सियस ऊपर जा रहा है। बुधवार को रांची का न्यूनतम तापमान 13.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके कारण दिन में अब रांची वासियों को गर्मी लग रही है। हालांकि सूर्य ढलने के बाद ठंड में बढ़ोतरी होती है। रांची में बुधवार की सुबह से आसमान में बादल छाए रहे, कहीं कहीं बूंदाबूंदी भी हुई। हालांकि बूंदाबूंदी से तापमान में कोई अंतर नहीं आया। बुधवार को रांची का अधिकतम तापमान 30.2 डिग्री रिकॉर्ड कर दर्ज किया गया। राज्य भर के मौसम की बात करें तो पिछले 24 घंटे में राज्य का मौसम सामान्य रूप से शुष्क रहा। वहीं राज्य में सबसे ज्यादा गर्म और सबसे ठंडा चाईबसा रहा। यहां का अधिकतम तापमान 31.8 डिग्री और न्यूनतम 11.7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। अभिषेक आनंद ने बताया कि भूमध्य सागर में पश्चिमी विक्षोभ के कारण एक चक्रवर्ती क्षेत्र बन रहा है। इसका असर झारखंड राज्य पर देखने को मिल रहा है। 10 जनवरी तक रांची समेत अन्य जिलों में आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है। झारखंड कैबिनेट में बुधवार को 2 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। पहला यह है कि झारखंड ने केंद्र और RBI के साथ बिजली खरीद में भुगतान सुरक्षा के लिए 2017 में हुए त्रिपक्षीय समझौते से बाहर निकलने का फैसला ले लिया है। साथ ही पहली बार झारखंड कंबाइंड एग्जामिनेशन रूल्स 2021 को भी मंजूरी दी गई है।
अब इसके आधार पर जेपीएससी परीक्षाओं का कैलेंडर जारी करेगा और राज्य में नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। इसके साथ ही आज के संध्या समाचारों में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।